ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गैस हर बार की तरह WWE के किसी भी बड़े पेपर व्यू के अंदर WWE कुछ ऐसे कांड करती है जिसके बाद शो खत्म होने के बाद फैंस के दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है। और गैस ऐसा ही कुछ हम लोगों ने समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर भी देखा, जब फैंस के दिमाग में क्वेश्चन उठाया कि क्या हमने रोमन रेंज का जो रिटर्न देगा समर स्लैम में वो उनके एक हील टर्न के साथ था, और क्या रोमन रेंज बन चुके हैं हील। तो गैस अगर आप लोग आज इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा और मैं आपको सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी कि WWE क्या प्लान कर रही है रोमन रेंज के लिए। इसके अलावा गाइस हम लोग इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों रैंडी ओटन को इस तरीके से हराया गया समर स्लैम के अंदर, और गाइस कैसे रोमन रेंज के रिटर्न को WWE बड़ा सीक्रेट रख पाए। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग है वीडियो होने वाली। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल पर सुबह वाली वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने पूरा समर स्लैम का शो रिव्यू करा हुआ है, सारे मैच हैं उसके अंदर, उसके सारे रिजल्ट हैं, तो गाइस उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और गाइस वहां से जाकर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन गाइस सबसे पहले हम लोग वीडियो की शुरुआत करना चाहेंगे रोमन रेंज के सरप्राइज रिटर्न के साथ। अब गाइस मैं आपको बता दूं रोमन रेंज के रिटर्न को लेकर ऐसे कोई भी, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर ही कहा, कोई ऐसे कॉन्क्रीट स्पॉइलर वगैरह नहीं थे या फिर रूमर नहीं थे जिससे हम लोग कह सके कि रोमन रेंज वापस आने वाले हैं। हाँ वो बात अलग है, कम्युनिटी के अंदर जो लोग हमेशा ही किसी पेपर व्यू के अंदर या किसी शो के अंदर रोमन रेंज का रिटर्न कराते हैं उनके लिए तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन गाइज मैं आपको एक्चुअल में बैक स्टेज से क्या अपडेट आई है वो बताता हूँ। गाइज इस मैच के शुरू होने से पहले, यानी कि मेन इवेंट के शुरू होने से पहले ही बातें सामने आई थी कि रोमन रेंज को लेकर कुछ WWE ऐसा प्लान भी कर रही है। इससे पहले किसी को भी रोमन रेंज के रिटर्न के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इवन गाइज आप लोग सरप्राइज हो जाओगे जानकर कि WWE का एक क्रिएटिव मेंबर यानी कि जो क्रिएटिव टीम के अंदर काम करता है उसको भी नहीं पता था जब उसने रिंग साइड न्यूज को बताया कि मेरे को रोमन रेंज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, शायद WWE ने रोमन रेंज को छुपा कर रखा था और रोमन रेंज का जो रिटर्न करने का प्लान था WWE का बहुत बड़ा सीक्रेट था। अब अगर आप लोग हमारे चैनल पर एक्टिव चैट रहे हैं तो ये बात तो मैंने आपको बताई दी थी कि अब WWE परफॉर्मेंस सेंटर से एमवे सेंटर पर जा रही है, तो ऐसे में एक्सपेक्टेड है बैक स्टेज बातें चल रही है कि रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर वापस आ सकते हैं। हालांकि गाइस सिर्फ वो एक बात थी क्योंकि हम लोगों ने तो देखा कि रोमन रेंज आ गया बट स्टिल ब्रॉक लेसनर अभी भी नहीं आया, तो उस पर कंफर्मेशन कुछ भी नहीं थी। बट गाइस रोमन रेंज एंड विंस मैकमैन के बीच बातें चली रही थी। अब क्या है, जो बातें चल रही थी वो रोमन रेंज के रिटर्न को लेकर थी, किसी को भी नहीं पता था। बट समर स्लैम के अंदर हम लोगों ने देखा कैसे एक इनकी जुगलबंदी चलती है और बहुत ही सरप्राइजिंग वे में WWE वापस लेकर आई है रोमन रेंज को, और काफी सही लगता है। मतलब बहुत टाइम के बाद मैंने भी ऐसा देखा होगा कि एकदम से मैं शॉक हो गया, क्योंकि हमको किसी ना किसी बात के पहले से हिंट मिलते थे। हालांकि इस बार भी समर स्लैम में पॉसिबिलिटी बहुत ही कम के बराबर थी, मैं तो उसको ना ही बोलूंगा, लेकिन जिस तरीके से रोमन रेंज है, जिस तरीके से WWE ने उनको बुक किया है, वाकई में आगे चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं, एंड आई होप फ्यूचर में भी WWE हमको ऐसे ही सरप्राइजेस देती रहे। लेकिन गाइस इससे पहले कि हम लोग बात कर रहे हैं रोमन रेंज के हील टर्न के बारे में, क्या वो एक हील सुपरस्टार बन चुके हैं, क्या WWE ने फाइनली वो चीज कर दी है जिसका फैंस काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, हम लोग बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसका भी फैंस लंबे टाइम से ही वेट कर रहे थे, और वो था रैंडी ओटन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का समर स्लैम का WWE चैंपियनशिप का मैच। अब पूरे पेपर व्यू के अंदर सभी को लग रहा था इसी मैच के ऊपर स्पॉटलाइट आने वाली, क्योंकि यहां पर WWE चैंपियनशिप ऑन द लाइन है। जिस तरीके से ड्रू मैकइंटायर का कैरेक्टर हम लोगों ने बिल्ड होता हुआ देखा है, और भाई रैंडी ओटन तो है ही लेजेंड किलर, एक्सपेक्टेशन यहां पर काफी ज्यादा थे। लेकिन मैच का जो फिनिश था उसने सभी को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो यहां पर ये थी कि क्या पता शॉन माइकल्स आ सकते हैं, क्या पता रिक फ्लेयर आ सकते हैं, या फिर WWE कोई ऐसा तरीका लगाएगी जिससे रैंडी ओटन हील टैक्टिक का यूज करेंगे। मतलब कुछ भी हो सकता है मैच के अंदर, मजा तो जरूर आने वाला है चाहे जीते ड्रू मैकइंटायर या फिर रैंडी ओटन। लेकिन हम लोगों ने देखा कैसे हमको चीप पिनफॉल देखने को मिलता है ड्रू मैकइंटायर की तरफ से, और इस तरीके से उन्होंने रैंडी ओटन को हरा दिया। और स्टूपिड बात तो यहां पर ये भी है कि रैंडी ओटन वैसे अपने आप को काफी दिमागदार आदमी बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से WWE ने समर स्लैम के अंदर उनको बुक किया इस पिनफॉल के सहारे से हारना, उनको काफी ज्यादा स्टूपिड दिखाया गया है। वेल वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन सवाल यहां पर ये आता है कि WWE ने इस मैच का फिनिश ऐसे क्यों बुक किया, क्यों रैंडी ओटन इस तरीके से पिन हो गया और ड्रू मैकइंटायर ने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। तो गाइस आपको पता ही होगा, मैंने आपको चैनल के ऊपर बता भी दिया था कि समर स्लैम के अंदर एक मैच तो ऐसा होने वाला जिसकी एंडिंग WWE एक टाइप से स्क्रू करने वाली है, और इसके पीछे रीजन है समर स्लैम के ठीक 7 दिन के बाद उनका अगला पेपर व्यू, और ये होने वाला है पेबैक। अब WWE को क्योंकि पेबैक के ऊपर भी इनका मैच फिर से बुक करना था, तो उनको समर स्लैम के अंदर ऐसी एंडिंग तो करनी ही थी जहां पर वो इस मैच को जो है आगे जाकर फिर से लटका सकें और पेबैक के अंदर दोबारा से ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ओटन का मैच हो सके। तो गाइस एक्सपेक्टेड है कि WWE अब रॉ के एपिसोड में जो कि कल होने वाला है वहां पर हो सकता है पेबैक के लिए इस मैच को ऑफिशियल कर दे, और अगर WWE ने सच में हो भी सकता है कि रैंडी ओटन को
चैंपियन बनाने का प्लान किया हो, लेकिन हो सकता है पहले मैच के अंदर वो ड्रू मैकइंटायर को चांस देना चाह रहे हो ताकि ऐसा भी ना लगे कि रैंडी ओटन और ड्रू मैकइंटायर के बीच मैच हुआ और दोनों बार रैंडी ओटन ही जीत गए। तो गाइस यहां पर ऐसा कुछ हमको लग रहा है कि WWE प्लान कर रही है चीजों को। फिलहाल तो ड्रू मैकइंटायर के लिए काफी अच्छा टाइम है क्योंकि आज तो समर स्लैम के अंदर जीत गए, लेकिन पूरे चांसेस हैं गाइस कि पे बैक के अंदर इनका फिर से मैच होने वाला है WWE चैंपियनशिप के लिए, और शायद इस बार जो मैच की एंडिंग है WWE उसको स्क्रू नहीं करने वाली। तो आई होप मैंने आपको चीजें सही तरीके से एक्सप्लेन कर दी होंगी। हम लोग चलते हैं गाइस वीडियो के फाइनल टॉपिक के ऊपर, और ये जुड़ा है रोमन रेंस के हील टर्न से। अब जब मैंने सुबह चैनल पर वीडियो डाली तो भाई उसके बाद आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए, मेरे से पूछा है कि क्या भाई रोमन रेंस का हील टर्न हो चुका है और क्या फाइनली रोमन रेंस अब हील कैरेक्टर के साथ WWE में स्टोरी लाइन को प्ले करेंगे। तो गाइस मैं यहां पर आपको सारे पॉइंट बताता हूं जिससे शायद हमको WWE हिंट कर रही है, फिर शायद ये इशारा है रोमन रेंस का कि अब वो हील कैरेक्टर में आ चुके हैं, अब वो बेबी फेस नहीं रहे। सबसे पहले तो गाइस हम लोगों ने उनके पास जो मर्चेंडाइज देखी उस पर लिखा है रैक एवरीवन एंड लीव, जो कि काफी बैड एस लगता है अपने आप में। मतलब एक बेबी फेस शायद ही कभी ऐसे फ्रेजेस को यूज करेगा, मतलब इसका यहाँ पर यह है कि वो बंदा इतना खतरनाक है कि वो तोड़फोड़ मचाता है, उसके बाद वो चले जाता है, किसी और से उसको कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। और गाइस आपको पता होगा हमको स्टीव ऑस्टिन के पास भी कुछ सिमिलर ऐसी टी शर्ट देखने को मिलती थी जहां पर लिखा होता था अराइव रेज हेल लीव। तो यहाँ पर एक काफी सिमिलर थिंग है जो कि WWE ने रोमन रेंज के साथ करी है, तो इससे यहाँ पर हमको हिंट मिलता है कि क्या पता ये सच में रोमन रेंज का हील वाला करेक्टर है, क्योंकि इस बार वो रोमन रेंज की वो जो लोगो था वैसा हमको कुछ नहीं देखने को मिला। इस बार हमको वैसा कोई रोमन रेंज का बड़ा सा लोगो नहीं देखने को मिला, बल्कि हमको टैक्स के साथ ऐसी बैड एस लाइन रोमन रेंज यूज करते हुए दिखा दे रहे हैं। इसके अलावा गाइस एक नोट करने वाली बात ये भी है कि रोमन रेंज को यूनिवर्सल चैंपियनशिप चाहिए जो कि इसमें फीड के पास है, लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर अटैक किया, काफी ज्यादा उन्होंने चेयर शॉट लगाए, और यूजुअली बेबी फेस भी उस बंदे से पंगे नहीं लेता जिससे उसको कोई लेना देना ना हो। मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन को इस तरीके से उन्होंने मारा जैसे कि पता नहीं भाई कौन सी पुरानी दुश्मनी का वो बदला निकाल रहा हूं, वैसे पुरानी दुश्मनी तो है लेकिन यहां पर एक हील सुपरस्टार के ऊपर ज्यादा सूट करता है कि वो इस तरीके से अटैक करे, तो ये भी हमको एक दूसरा हिंट मिलता है। तीसरी चीज नोट करने वाली है रोमन रेंस का एटीट्यूड और जैसी इंटेंसिटी से हमने उनको समर स्लैम के अंदर देखा, मतलब चेहरे पर उनका एक अलग ही फील आ रहा था। पहले जैसे हमको रोमन रेंस दिखते थे वैसा हमको रोमन रेंस के हाव भाव या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं दिखी। तो गाइस यहां पर ये कुछ ऐसी चीजें जिससे WWE वाकई में हमको ऐसा शायद बता रही है कि भाई अभी जो रोमन रेंस आया है वो बेबी फेस नहीं है। और वैसे भी आपको पता है काफी सारे फैंस तो चाहते ही हैं, इवन मैं भी, कि रोमन रेंस को हील के तौर पर भी यूज किया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से तो भाई वो एक बेटर हील हमेशा होंगे एक बेबी फेस से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई स्मैकडाउन के शो पर रोमन रेंस आए और वो कहेंगे कि मैं उस चैंपियनशिप के लिए लड़ रहा हूं जिस चैंपियनशिप को मैंने कभी हारा नहीं है, और फिर से रोमन रेंस का वही बेबी फेस वाला रन शुरू हो जाएगा, क्योंकि WWE यूजुअली रोमन रेंस के साथ इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट कोई करती नहीं है। लेकिन इस बार अगर वो फैंस के बारे में थोड़ा सा सोचे तो फिर गाइस आपको रोमन रेंस हील सुपरस्टार के तौर पर देखने को मिल जाएंगे। अभी एक दिक्कत वाली बात यहां पर ये भी है कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रोमन रेंस ने क्लियर मैसेज दिया है कि उनको यूनिवर्सल चैंपियनशिप चाहिए जो कि फिलहाल फीन के पास है, और आपको पता है फीन का जो करेक्टर है वो हमको हील वाला देखने को मिलता है। तो अगर WWE रोमन रेंस को भी हील बनाती है तो क्या हमको यहां पर हील वर्सेस हील वाला सीन देखने को मिलेगा, जो कि WWE यूजुअली प्रेफर करती नहीं है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि ये एक ऐसी चीज है जो कि हमको ये भी बताती है कि शायद रोमन रेंस का करेक्टर जो है वो फेस ही रहे और शायद अभी भी WWE उनको हील ना बनाए। बट अगेन हील वर्सेस हील भी WWE ट्राई कर सकती है क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, और मेरे को नहीं लगता कि फैंस इसके बारे में ज्यादा माइंड करने वाले हैं चीजों को, इवन वो शायद इसको पसंद ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप रोमन रेंस को बेबी फेस देखना चाहोगे या फिर एक हील सुपरस्टार, WWE को उनके साथ कुछ नया करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सुबह वाली वीडियो को, उसे जाकर अभी जरूर देखो, और गाइस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।